आज मैं जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बना रही हूँ मटर के परांठे। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो मटर ले लिए हैं और इनको मैं इस चॉपर में करूँगी, और आप चाहे तो मिक्सी में भी कर सकते हैं, लेकिन ना इसको जैसे मोटा मोटा सा टेक्सचर होता है ना वैसे करने हैं। अगर मिक्सी में करने को मैं भी 2 मिनट में कर दूँ, वो तो पता है मुझे 1 मिनट में हो जाते हैं, लेकिन वो क्या होता है बिल्कुल बारीक पीस जाते हैं, तो हमें उसको उतना बारीक नहीं पीसना। तो मेरे को लगा कि ये चॉपर ज़्यादा बेस्ट है इससे, तो मैं इसको इस पे चॉपर में कर रही हूँ, तो इजीली हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं लगती। यहाँ मैंने पैन पे जब तक ऑयल गर्म करने रख दिया है, और मैं इतने में आपको करके दिखाती हूँ। ये मुश्किल से सेट नहीं हो रहा है, 1 मिनट, ये मुश्किल से 5-6 बार में देखिए मैं करके दिखाती हूँ, ये देखिए फटाफट हो जाता है। मुझे गाइस मिक्सी ज्यादा इसमें ज्यादा बेस्ट लगता है, क्योंकि जैसे प्याज होते हैं छोटे छोटे या कुछ है, मुझे सबसे बेस्ट यही लगा है, तो मैं इससे ज्यादा इसमें ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं इसमें करूँ। तो ये देखिए गाइस, मुश्किल से 7-8 बार किया है तो ये हो गया है। तो मैं इसको पहले जब तक डालती हूँ, दूसरी बार का साथ साथ करती जाती हूँ, तो आप इकट्ठा करके भी रख सकते हैं। तो मैंने कहा इतने में ऑयल हो चुका है गर्म, तो सबसे पहले डालते हैं उसमें जीरा। ये देखिए जीरा हल्का सा ब्राउन होता है, तब मैं इसके उसके बीच ये मटर पैन में डाल दूंगी। ब्राउन हो चुका है, अब मैं डालती हूँ इसमें मटर। बहुत इजी रेसिपी है और सर्दियों में तो बहुत अच्छी लगती है खाने में, क्योंकि सर्दियों में मटर इतना आता है, सर्दियों में इजीली बना सकते हो। और मैं इसमें एक बार गाइस और बताऊँ, जो इसमें मटर लेने हैं ना, वो थोड़ा जैसे एक पका हुआ मटर होता है, एक होते हैं बिल्कुल कच्चे कच्चे मटर मीठे वाले, तो ज़्यादा मीठे मटर नहीं लेने इसके अंदर, इसके अंदर थोड़े पके हुए ही आप मटर लें तो उससे ज़्यादा बेस्ट बनते हैं। नहीं तो क्या होगा, वो ना परांठे जो आपके मीठे मीठे बनने लग जाएंगे। तो आप देखिए, अगर जो थोड़ा वैसे वाले मटर होते हैं वो ही लीजिए आप इसमें, सख्त वाले। तो मैं दूसरे वाला भी देखिए, देखना 2 मिनट में हो चुका है, ये भी मैं इसमें डालती हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो लिए हैं मटर, वो पूरे लिए हैं 1 किलो, पूरे 1 किलो मटर मैंने इसमें लिए हैं। तो आप चाहे तो ज़्यादा भी बना सकते हैं, आधा किलो का भी बना सकते हैं, और आप प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, मैं प्याज यूज़ नहीं कर रही, तो मैं खाली मटर का ही बना रही हूँ। आप चाहे तो इसी टाइम पे इसमें प्याज भी डाल सकते हैं। साइज लिए है सूखे मसाले, तो यहाँ मैंने लिए हैं परांठा मसाला, नहीं है तो कोई बात नहीं स्किप कर सकते, उसकी जगह आप गरम मसाला ले सकते हैं, मेरे पास था तो मैंने डाल दिया। हल्दी पाउडर, नमक, और ये धनिया पाउडर, और ये लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ लिए मैंने अजवाइन, और ये धनिया पत्ती, और गाइस हरी मिर्च भी डालो, लेकिन मैं इसलिए डाल रही क्योंकि हमारे काकू के ना मुँह में आती है तो उसको थोड़ी तेज लगती है, बट पूजा के पापा खाते हैं। जब मैं परांठे बनाती हूँ ना, तो मैं जब वो उसके बीच में स्टफिंग करती हूँ, उसके बीच में काट के डाल देती हूँ उनका, तो बाकी पूरे में नहीं डालती, क्योंकि पूरे में फिर मिर्च मिर्च हो जाती है। तो आप डाल सकते हैं, अगर आपके घर में ज्यादा खाते हैं तो आप डाल सकते हैं, तो मैं बाद में डाल लूंगी। देखिए गाइस, थोड़ा सा इसका मॉइस्चर सूख गया है, देखिए अब आपको थोड़ा सा फर्क लग रहा होगा कि थोड़े खिले खिले भी हो गए हैं। तो अब इसमें डालेंगे हम, सबसे पहले डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, और यहाँ मैंने लिया है पराठा मसाला, वो डालेंगे 1 चम्मच के करीब, और हल्दी पाउडर डालेंगे थोड़ा सा 1/4 चम्मच, बस ज़्यादा नहीं चाहिए, और धनिया पाउडर वो हम पूरा 1 चम्मच भर के डालेंगे, और लाल मिर्च जितनी आप तीखी खाते हो मैं यहाँ डालूंगी 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ऊपर, और जो साथ में डालूंगी यहाँ 1/2 चम्मच से थोड़ा कम अजवाइन, और साथ ही मैं डाल दूंगी यहाँ पर हरा धनिया, क्योंकि थोड़ा गीला है इसका मॉइस्चर भी सूख जाएगा और परांठे फटेंगे नहीं। बस आपने अभी इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। मैंने अभी जो गैस की फ्लेम, गाइस जो गैस की फ्लेम मैंने इस टाइम पे रखी हुई है वो बिल्कुल लो रखी हुई है, इसके बाद मैं थोड़ी सी मीडियम पे करके इसको फटाफट हल्का सा जो मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाएगा, फिर इसको ठंडा करने रख दूंगी। उसके बाद बस हमें कुछ नहीं करना, परांठे भरने हैं, मैं वो दिखाऊंगी, स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो जाएगी, और बिल्कुल उसके साथ साथ मैं आपको परांठे भर के भी इसमें दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस,
सब कुछ आप मिक्स कर लीजिए। देखिए कहीं नहीं चिपक रहा बिल्कुल भी, कहीं कुछ भी। स्टफिंग तैयार हो चुकी है बिल्कुल, देखिए खिला खिला दाना एक एक अलग हो गया है। तो इसका देखो बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है इसके अंदर, आराम से पता चल रहा है कि बिल्कुल खत्म हो चुका है, और गीले गीले भी नहीं लग रहे और मॉइस्चर बिल्कुल सूख चुका है। इस स्टेज पे हम करते हैं गैस बंद और अभी इसको करने देते हैं रेस्ट, इसको ठंडा होने देते हैं, क्योंकि अगर गर्म गर्म भरेंगे तो परांठे टूट जाएंगे सारे, नहीं भरे जाएंगे। इसको ठंडा होने के बाद भरेंगे, फिर मैं बताती हूँ आपको इसको अगला स्टेप। अभी तो इसको ठंडा होने। तो गाइज यहाँ मैंने मटर के परांठे बनाने शुरू कर दिए हैं, देखिए इसकी स्टफिंग बिल्कुल अच्छे से बन गई है, देखिए खिली खिली है, बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं है, इजी से ये भर जाएंगे। तो यहाँ मैंने रोटी से थोड़ी सी बड़ा जो वो लेते हैं आटा, थोड़ा सा मोटा बस ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि मोटे मोटे परांठे टेस्टी नहीं लगते, परांठे पतले पतले ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ हम डालेंगे ये 2 से 2.5 चम्मच के करीब स्टफिंग, देखिए बहुत है एक परांठे के लिए इतनी स्टफिंग डाल के। और साथ मैंने यहाँ रखी है चाय पूजा के पापा के लिए, और देखिए बस इसको ऐसे से सारी तरफ से फोल्ड कर देंगे, देखिए, और ऐसे करके हल्का सा इसको ऐसे करके बस, ताकि फटेगा नहीं, और इसको आप प्रेस कर दीजिए। देखिए सारी साइड से अच्छी तरीके से प्रेस हो चुका है, ये देखिए कहीं से भी फटने वाला नहीं है। और इसमें लीजिए थोड़ा सा सूखा आटा और बस ये आराम से देखिए, ये देखिए हल्के हाथों से, ये देखिए हल्के हाथों से इसको वेलिए, बिल्कुल भी परांठा, और देखिए स्टफिंग भी सारी साइड है, देखिए गाइस कहीं भी ऐसा नहीं है कि स्टफिंग कम है, पूरी स्टफिंग डाली और देखिए बिल्कुल अच्छे से, और कहीं से भी नहीं फटा बिल्कुल भी, देखिए और देखिए हल्के हाथों से बस। और तवा मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था, और अब हम इसको डालते हैं तवे पे, देखिए अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें लगाते हैं ऑयल, आप किसी से भी सेक सकते हैं, देसी घी से सेक सकते हैं, किसी से भी, हमारे घर में जो है देसी घी का परांठा सिका हुआ नहीं खाते, तो मैं इसीलिए ऑयल से ही सेक रही हूँ। आप चाहे तो इसको किसी ऑयल से भी सेक सकते हैं, मक्खन से सेकिए, किसी से भी सेकिए। दूसरी साइड से भी गाइस ऐसे ही सेकना है, दूसरी साइड पर भी ऐसे ही ऑयल लगाना है, और इसको अच्छे से आप जगह जगह से सेकिए, देखिए तभी ये लाल लाल परांठा बनेगा। परांठा जरूर ट्राई कीजिए गाइस, आप भी सर्दियों में मटर के परांठे बनाएं, मटर के परांठे, मटर की कचौड़ी, बहुत कुछ मटर से बनता है और इजीली आप बना सकते हैं। मैं सोच रही किसी दिन आपको मटर की कचौड़ी भी बना के खिलाऊं, सेम यही प्रोसेस है, आप इजी से इससे मटर की कचौड़ी भी बना सकते हैं, बस उसमें उसको फील करना होता है और इतनी ज्यादा उसको वेलना नहीं होता, छोटा सा होता है। तो वो भी मैं आपके साथ रेसिपी जरूर शेयर करूंगी, और आप एक बार जब भी परांठा बनाए रेसिपी, ये वाली रेसिपी बनाए, मुझे जरूर बताइए कि आपको ये परांठा बना के कैसे लगा। मैं गाइस देखिए परांठे रेडी, मैंने मक्खन लगाया परांठे पे, और ये अचार लिया है, और यहाँ लिया मैंने दही। तो चाय हमारी बनी हुई है, साथ लेते हैं हम चाय, और काकू और मैं दोनों